जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों आज हम आपको विनायक जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करती हैं। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए घर में सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसीलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा आजा रे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरे पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बिचारी तो सुबह से काम में लग रही है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरा भोग लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहां से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। महल में लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया के बर्तन वापस लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के दो चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद दिया तो उसे कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो हैं। सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वे सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करती दो धन के चरे निकले।
बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के हैं, वो तो प्रेम के हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पूजता है, प्रेम करता है, वे उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। हे गजानंद गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, गारा भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वालों को सबको देना।